नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। ओलंपिक गेम शुरू होने से 6 दिन पहले खेल गांव में मिला पहला संक्रमित, तैयारी में जुटे अधिकारी। बदमाशों ने दरोगा से की मारपीट, 4 अज्ञात बदमाशों पर किया मुकदमा पंजीकृत। एक्सीडेंट के साथ में अभद्रता को लेकर गुस्साए पीडब्ल्यूडी कर्मचारी, किया कार्य का बहिष्कार। और अब खबरें विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। ओलंपिक को शुरू होने से सिर्फ 6 दिन बचे हैं, लेकिन 4 दिन पहले खुले खेल गांव में कोरोना का पहला केस सामने आया। खेल गांव में तैयारी में जुटा एक अधिकारी कोरोना संक्रमित पाया गया है। आयोजकों ने संक्रमित अधिकारी को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया है। इससे 2 दिन पहले जापान में मौजूद एक खिलाड़ी और 5 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं ब्राजील के जूडो टीम जिस होटल में रुकी हुई है वहां के 8 कर्मचारी को भी कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया है। खबर चोमू से, जहां पर प्रदेश में इस बार हो रही मॉनसून की बेरुखी को लेकर भाजपा ने चिंता जताई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में एक तरफ मॉनसून की बेरुखी है तो दूसरी तरफ सरकार की नीतियों से आम जन परेशान हो रहा है। कोविड के दौरान जनता को जो सरकार से सहयोग मिलना चाहिए था वह सहयोग भी सरकार से नहीं मिला है। प्रदेश में पेयजल और रोजगार के विकट समस्या बनी हुई है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को एक रोड मैप तैयार करना चाहिए जिससे आमजन को राहत मिल सके। जिस तरीके से इस बार मॉनसून की बेरुखी है इस पर चुटकी लेते हुए रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार को वोट बैंक की राजनीति छोड़कर परंपरागत होने वाले धार्मिक अनुष्ठान करवाने चाहिए। हो सकता है धार्मिक अनुष्ठान होने के बाद में इंद्रदेव प्रसन्न होकर मॉनसून की बारिश करवाएं। प्रदेश में अकाल के हालात बनते नजर आ रहे हैं। भाजपा चाहती है कि अभी से सरकार को ऐसा रोड मैप तैयार करे ताकि इन सब से निपटा जा सके। राजस्थान के अंदर मानसून बेरुख होता दिखाई दे रहा है और राजस्थान की जनता इस समय राजस्थान सरकार की नीतियों से भी परेशान है और कोविड के लिए भी राजस्थान की जनता ने संघर्ष किया है। सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग भी जनता को नहीं मिल पाया। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार आने वाले समय के अंदर भीषण जल की समस्या, रोजगार की समस्या और इन तमाम समस्याओं को देखते हुए कोई रोड मैप ऐसा तैयार करे ताकि जनता को रिलीफ मिल सके। और मुझे लगता है कि प्रदेश के मुखिया को कम से कम हमारे जो परंपरागत और हमारे जो आध्यात्मिक जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, कम से कम अपने वोट बैंक की राजनीति की चिंता किए बिना उन धार्मिक अनुष्ठानों को भी कराए ताकि हो सकता है कि इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश करे। लेकिन जो हालात प्रदेश के दिखाई दे रहे हैं वो हालात प्रदेश के अंदर अकाल के बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस अकाल से मुकाबला करने का एक रोड मैप सरकार अभी से तैयार करे कि किस तरीके से जनता को राहत दे सकती है। खबर जनपद बिजनौर से, जहां पर थाना हल्दौर थाना अंतर्गत कस्बा झालू में झंडा चौक के पास में टी शर्ट पैंट के बाजार में सामान खरीद रहे दरोगा अरुण कुमार राणा पर 4 अज्ञात बदमाशों ने बदसलूकी की और मारपीट करते हुए घायल कर दिया जिससे उनके पैर में चोट आई है। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर 4 अज्ञात बदमाशों पर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है। तो वहीं विशेषज्ञों की टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज निकालकर अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र अधिकारी नगर के नेतृत्व में टीम लगाई गई है। मैं अरुण कुमार राणा, उप निरीक्षक सिविल पुलिस जालू चौकी पर तैनात हूं। कल मेरा यहाँ के एक लोकल उमंग चौधरी पुत्र रामेंद्र सिंह, उनसे भी नोकझोंक हुई थी। वो अन्य अभद्रता कर रहे थे किसी क्षेत्र प्रमाण पत्र पर गलत रिपोर्ट लगाने के लिए। मैंने उनसे कहा था जांच के बाद मैं इस पर रिपोर्ट लगा दूंगा। इस चीज़ को लेकर उनके साथ मेरी कहा सुनी थी, उन्होंने अभद्रता कही, इसी चीज़ को लेकर कल उन्होंने मुझे सस्पेंड करा। आज मैं अपने जहाँ प्राइवेट में रहता हूँ कमरे पर, यही झालू में बाजार में आज मैं सब्जी लेने के लिए जा रहा था। पीछे से कुछ लोग आए, उन्होंने मेरे साथ लोग 4-5 लोग होंगे,
उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी, डंडे से और धारदार हथियारों से लैस थे, मुझे नीचे गिरा लिया, जान से मारने की धमकी देने लगे और कहने लगे कि कल तो तुझे सस्पेंड कराया था, आज तुझे सबक सिखा दिया और आगे बोलेगा तो जान से हाथ धोएगा। ये मेरे साथ नहीं है, हमारे मैं नहीं कहूँगा ये मेरी पिटाई हुई है, ये पूरे पुलिस प्रशासन की पिटाई हुई है, ये किसी के साथ नहीं। अपना मैं पहले भी 12 साल पैरामिलिट्री में रह चुका हूँ, एज ए सब इंस्पेक्टर BSF में मैंने काम किया, CISF में मैंने काम किया, किसी प्रकार का मेरा यानी कोई वो नहीं लगा एलिगेशन किसी प्रकार का, इस विभाग में भी कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि मेरे कोई काम में अपना कहीं टूटी हुई हो। ये एक ईमानदारी से काम करने का एक नतीजा है जो मुझे देखना पड़ रहा है, वो मेंटली रूप से मुझे झेलना पड़ रहा है। हो सकता है कल को मेरे साथ मेरा मर्डर भी कर दिया जाए, ये मेरा मर्डर नहीं होगा, ये कानून व्यवस्था का मर्डर होगा। जनपद जौनपुर के तहसील मछली शहर में समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य नेता डॉक्टर बहादुर यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है, अब तक ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी। आपको बता दें कि डॉक्टर अमर बहादुर यादव ने कहा कि जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में नामांकन से लेकर मतदान तक जितने मुकदमे हत्या हुई है, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। नमस्कार, मैं आपके साथ रमन, आप देख रहे हैं DPK TV। आज हम उपस्थित हैं मछली शहर में, हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमर बहादुर जो कि वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं वार्ड नंबर 39 से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर DPK TV के साथ आपको जुड़ने के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं जो इस समय लोकतंत्र की हत्याएं भी बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखा जा रहा है, आप समाजवादी के अच्छे नेता भी हैं सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जैसे जो जिला अध्यक्षी का चुनाव हुआ और ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हुआ, तमाम हत्याएं, तमाम मुकदमे लिखे गए और देखिए किस तरह से एक औरत का देखिए साड़ी भी खींचा जा रहा था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को सर? इसके बारे में यही कहना चाहेंगे, लोकतंत्र के इतिहास में इतनी घृणित कार्य आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया था जितना जो है कि योगी सरकार ने किया है। लोकतंत्र के इतिहास में जितनी भी सरकारें अब तक आई हैं इतना घटित कार्य जो है किसी ने नहीं किया है। सर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, यहाँ भी जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ, आप भी वोटिंग के लिए गए होंगे, तो यहाँ कैसा चुनाव रहा सर? यहाँ तो बहुत सही चुनाव था, भाई हमारी वोट तो समाजवादी पार्टी में गई है लेकिन यहाँ स्थानीय नेताओं की वजह से कुछ जो है कि वोट इधर उधर हो गए, अब इस भाई हाई कमान का आदेश होगा, जो होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो सर 2022 की तैयारी आप किस तरह से कर रहे हैं और इस बार सरकार बना लेंगे आप लोग की नहीं बना पाएंगे? 2022 की तैयारी हम लोग सुनियोजित ढंग से नेताजी के इशारे पर हम लोग जन जन तक आवाज़ पहुंचाएंगे। अभी चूंकि 7-8 महीने का समय है, हम लोग घर घर जाकर समाजवादी नीतियों को जो है जनता तक पहुंचाएंगे और इस सरकार को बदलने की पूरी कोशिश किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ डॉक्टर अमर बहादुर यादव मछली शहर से जुड़े थे। जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के पलटनपुर गांव में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस खूनी संघर्ष में अभिषेक सोनकर, ललन सोनकर उम्र 23 वर्षीय युवक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई, सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। परिजनों का कहना है कि जमीनी विवाद न्यायालय में मुकदमा भी इसमें दायर किया जा चुका था और कई बार थाने को प्रार्थना पत्र भी दिया जा चुका था लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है और जो आज डर था वही हुआ। सूचना मिलने के काफी देर बाद में पुलिस पहुंची और जांच शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, तो वही घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और जिला अस्पताल में इलाज जारी है, तो वहीं परिजनों ने पुलिस पे कई आरोप भी लगाए हैं। मामला हमारी जमीन है और इसमें आम के बगीचे हैं, दो साल से दादा पंचायत मेरे इसको ना तो मुझे जमीन काश्त करने दे रहे हैं, तोड़ने बेचने दे रहे हैं। आज के एक हफ्ता पहले शासन को हमने सूचना दे दी, उस जमीन को मैंने स्टे भी करा दिया, इसके बाद भी वो लोग दबंगई से उसने घर मकान बनाए। हाँ, मेरे सब बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वो लोग आज गए, हम लोग 10 बजे एक बच्चे को मेरे मार दिए जान से मैं, इसके बाद हमारा 2 बच्चे और साथ में गए थे, भैया ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं, तुरंत मार करके मेरा है सब तोड़ दिए, उस बच्चे को पैर मार कर भी तोड़ दिए,
ऐसी घटनाएं आज दो साल के लोग हम दिए हैं, जहाँ मेरे जमीन को जबरदस्ती काश्त कर रहे हैं, आम का फल भी तोड़े, इसके बाद आज ऐसी परिणाम दिए हैं लोग। मारपीट में कितने लोग शामिल थे? मगर लगभग 10 लोग थे। इस घटना से पहले आपने थाना प्रभारी या थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराया था? जी, आम को तोड़ रहे थे तो मेरा एक बच्चा गया तो बोला भैया आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं, हम लोग तो आते भी नहीं यार यहाँ तोड़ने बीनने खाने, हैं तो नीचे से गिर रहा है, आप लोग तोड़िए ले जाइए, ले ही जा रहे हैं। आपके पास से कितने लोग घायल हैं? हमारे तरफ इधर घायल हैं, एक को इंस्पायर कर दिया मेरा लड़का, दो तो मेरे लड़के को घाव लगा है, दो भतीजे लगते थे वो लोग बोले तो उन लोगों को मारपीट दिए हैं। थाने पे प्रार्थना पत्र दिए आप? नहीं सर, वो बच्चे को सीरियस देख करके लेकर के आए मरियाहूँ, कोतवाली में दिए, कोतवाली से वहाँ डॉक्टर साहब बुला करके तब वहाँ से यहाँ रेफर किए जौनपुर के लिए। शासन से मांग क्या है? अब यही न्याय चाहिए सर, हमारे साथ अपराध हो रहा है, आज तक कोई न्याय नहीं मिल पाया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ललन सोनकर है। निवासी? बल्टू। ये जमीनी मामले में हुआ झगड़ा? झगड़ा ही जमीनी चलत रही साहब। हाँ। हमारे पति अति क्यों ना रहे, सुभाष मैनेजर से झगड़ा भाई। हाँ। जैसे उन लोग मार देने ने सबसे पहले। हाँ। लोग कहे न की वो सब। ये लड़का आपका क्या लगता है? लड़का हमारा बेटा है। क्या नाम है इसका? उनका नाम अभिषेक है। कितनी उम्र रही होगी इसकी? 22 साल 23 साल का है। 22 साल 23 साल। आज आज जो झगड़ा हुआ इसके पहले भी हुई थी झगड़ा? हाँ। तो इसके आप पहले वो सब डंडा लोगो जी लग दौड़ा दौड़ा मारते थे, हम सब कहे हम सब कमजोर पड़ते थे। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस में किया था? शिकायत किया था पहले की ऐसी बात है? हाँ, शिकायत थाने कई बार गवा। एक बार ना 10-20 चक्कर गवा। अच्छा। सिद्धार्थनगर जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सएन के साथ में अभद्रता को लेकर पीडब्ल्यूडी कर्मचारी में काफी रोष व गुस्सा है, जिसके बाद में जिले भर के चारों डिवीजन के विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालय स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय में इकट्ठा होकर कार्य का बहिष्कार किया और विरोधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कर्मचारी अधिकारी संघ के महामंत्री विनोद पांडे ने बताया कि कुछ तथाकथित ठेकेदार है जो कि बाहरी व्यक्तियों को बुला करके अधिकारी व कर्मचारी को धमका कर कार्य करवाते हैं। जब अधिकारी व कर्मचारी काम करने से मना कर देते हैं तो वह लोग बाहरियों को बुलाकर जबरदस्ती बाहरियों को बुला लेते हैं और दबाव डालते हैं। इस संबंध में हमने सभी पीडब्ल्यूडी परिवार को बुलाकर एकत्रित हो गया है और बिना लिखित व आज के दिन कार्य बंद किया गया है। कल जैसा होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा और आगे की प्रक्रिया को लिख करके आगे दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरा जिला बंद भी करवाया जाएगा। कारण यह है कि जो है कुछ तथाकथित ठेकेदार हैं जो बाहरी व्यक्तियों को बुला करके अधिकारी और कर्मचारी को धमकाने का काम अनलगल काम करवाना चाहते हैं, अधिकारी कर्मचारी नहीं करना चाह रहे थे उसका वो लोग जो है ज़बरदस्त बाहरियों को बुला के दबोच डलवा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग जो है अपने पीडब्ल्यूडी परिवार को एकत्रित किया गया है वैसे ही बिना लिखित का, और आज दिन हम लोग काम बंद कर दिए हैं कार्य को। कल जैसा होगा आपको सूचित किया जाएगा, आगे की प्रक्रिया आपको लिख के भी दिया जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरा जिला बंद कराएंगे। एक मामला और आता संज्ञान में कि जो है एक्सचेंज को धमकाने का मामला है, उसके क्या? ये तो मैंने बताया ना, अधिकारी कर्मचारी में, हम अधिकारी कर्मचारी के महामंत्री हूँ, अधिकारी कर्मचारी के इस हैसियत में बोल रहा हूँ जनपद का, तो मैंने तो बोल ही दिया कि अधिकारी कर्मचारी को कुछ कथाकथित ठेकेदार हैं जो बाहरी जबरदस्ती बाहरी बुला करके और धमकाने और डरवाने का काम करते हैं। कालाना झील जोधपुर में एक महिला को आत्महत्या करने से बचाव वाले SDRF के अधिकारियों व कर्मचारियों को SDRF सेनानायक पंकज चौधरी ने सम्मानित किया। IPS पंकज चौधरी ने बताया कि एक कंपनी SDRF टीम जोधपुर द्वारा कायलाना झील जोधपुर में बाढ़ बचाव राहत डेमो में तैयारी कर रही थी, तो इसी दौरान महिला कांस्टेबल सुनीता कुमारी को एक महिला परेशान स्थिति में झील पर पानी की तरफ जाती हुई दिखाई दी, जिस पर हेड कांस्टेबल भागीरथ राम तुरंत दोनों महिला कांस्टेबल को पानी की तरफ जाती हुई दिखी तो महिला की तरफ भेजा गया। दोनों महिला उस महिला को रोककर पानी की तरफ जाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पारिवारिक कलह की वजह से मैं पानी में
में कूदकर आत्महत्या करना चाहती हूं। इस पर जोधपुर कंपनी प्रभारी गुलाबा राम, भागीरथ राम एवं दोनों महिला कांस्टेबल ने उस महिला से समझाइश की और उसको चाय नाश्ता करवाया। इसके पश्चात कंपनी प्रभारी गुलाबा राम ने दोनों महिला कांस्टेबल के साथ में उस महिला को SDRF की गाड़ी में बिठाकर निवास स्थान भेजकर परिवार को सुपुर्द किया। इसके बाद में सराहनीय कार्य करने वाले के उपरांत हौसला अफजाई हेतु SDRF सेनानायक पंकज चौधरी द्वारा गुलाबा राम, कंपनी कमांडर भागीरथ राम व दोनों महिला कांस्टेबल को 101 रुपए का नगद इनाम में प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। खबर चोमू से, जहां पर अग्रवाल समाज की बेटी शानू अग्रवाल पुत्री पवन कुमार अग्रवाल निवासी राधा बाग चोमू का RAS में सिलेक्शन होने पर अग्रवाल समाज चोमू व अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान की ओर से शानू अग्रवाल को स्मृति पत्र देकर एवं माला व भगवान अग्रसेन जी का दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज चोमू के अध्यक्ष रमेश दमोर, महामंत्री राजेंद्र अग्रवाल, श्याम सुंदर, मदन लाल अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, अग्रवाल समाज युवा अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, महामंत्री CA शिव कुमार गुप्ता, मनीष कोयल, संदीप अग्रवाल, राजेंद्र विकास अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। समाज अध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि अग्रवाल समाज चोमू के लिए बड़े गर्व की बात है कि समाज की होनहार बेटी आज इस मुकाम पर पहुंची है। इस वजह से परिवार ही नहीं बल्कि आपूर्ति अग्रवाल समाज चोमू का संपूर्ण प्रदेश भर में नाम हुआ है। भारतीय एक्टर राकेश रोशन की बहन माधुरी रोशन गुरुवार 15 जुलाई 2021 को शादी के बंधन में बंध गई। सेलिब्रिटी के स्टाइल में भाई अपनी बहन को जगुआर कार से होटल लाते हुए नजर आए, तो वहीं माधुरी रोशन और रवि पांचाल एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय एक्टर राकेश रोशन की बहन माधुरी रोशन गुरुवार 15 जुलाई 2021 को शादी के बंधन में बन गई। सेलिब्रिटी स्टाइल में भाई अपनी बहन को जगुआर कार से होटल लाते हुए नजर आए, तो वहीं माधुरी रोशन और रवि पवार एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस शादी में हिंदू रीति रिवाजों की झलक साफ दिखी। बता दें कि रेणु लूथरा जी ने एक माँ की तरह इस शादी को शून्य से शिखर तक पहुँचाया, तो वहीं लड़की के मामा मामी ने कन्यादान किया। इस शादी में मुंबई से पहुंचे आदित्य राज फैशन डिजाइनर और शादी में भाई की भूमिका में नजर आए ऑल इंडिया न्यूज के डायरेक्टर राज कुंद्रा। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।